हेलो, इस वीडियो में बात करने वाले हम जेड ट्रांसफॉर्म के एक और क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हमें गिवन है इफ 1/2 की पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है और हमें एक रिलेशन पता वाई जेड जो है वो एक्स ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो हमसे वाई एन की वैल्यू पूछी गई है। देखो इसको कैसे करना, तो यहाँ पे हमें एक्स ऑफ एन दे रखा है, तभी तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड रहा होगा, तो हमें एक्स ऑफ एन दे रखा है। कितना है यहाँ पे एक्स ऑफ एन, कितना दे रखा है हमें 1/2 की पावर एन यू एन। ठीक, तो हमसे पूछा ये वाई जेड जो वो क्या कह रहा है, एक्स ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, तो इसका हमें एक्स ऑफ जेड तो निकालना आता है। एक्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला, ए की पावर एन यू एन का कितना होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो जेड अपॉन जेड माइनस ए की जगह कितना 1/2, और आर ओ सी कितना होता है इसका 1/2 से ग्रेटर। ठीक, तो वाई जेड कितना हो जाएगा, वाई जेड कितना हो जाएगा एक्स ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यानी जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, आर ओ सी पर कोई चेंज नहीं, आर ओ सी लिख लो। नेक्स्ट थिंग, अब हमें पूछा गया इससे हमें वाई ऑफ एन निकालना है, तो वाई ऑफ एन को कैसे निकालेंगे, हम शुरू करेंगे ओरिजिनल अपने सिग्नल से। देखो हमें यही सिग्नल बनाना है, जो उसका जिस सिग्नल से ये बनेगा वही आंसर हो जाएगा, तो हमें पता है 1/2 की पावर यू एन अभी हमने लिखा है, इसका z ट्रांसफॉर्म कितना होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए, यानी ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर कब बना सकता हूँ जब मैं क्या करूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ। डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एन। अगर मुझे जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बनाना है कैसे भी, तो मुझे डिफ्रेंशिएट करके ही बनेगा ये, तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ इधर मैं एन से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और माइनस जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर उधर एन से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस जेड टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो जो पुराना वाला सिग्नल था जेड अपॉन जेड माइनस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन कर दो ताकि नीचे होल स्क्वायर बन जाए, तो हमें कितना आ गया एन 1/2 की पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा माइनस जेड, लगा दो इस पर क्वोशेंट रूल, तो ये क्वोशेंट रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का, सॉरी यहाँ पे देखो आप क्या करना है जेड न्यूमरेटर टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, जेड माइनस 1/2 का कितना आएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से देखो बहुत कुछ रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ से समझ भी आने लगेगा क्या आंसर होगा। तो यहाँ से देखो ऊपर कितना बचेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना बचेगा जेड माइनस 1/2 माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचा इधर भैया एन 1/2 की पावर एन यू एन, कितना बचेगा जेड से जेड कैंसिल, ये माइनस 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर बन गया, एक बार न्यूमिनेटर में बन जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरे का होल स्क्वायर है, यानी जेड का भी स्क्वायर है और जेड माइनस 1/2 का भी होल स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर तो मैं डिनोमिनेटर तो बन चुका है, अब न्यूमिनेटर बनाना है, तो मुझे एक जेड ऑलरेडी है तो एक जेड और आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, यानी जेड से मल्टीप्लाई कब हो सकती है बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एन को एन से एन प्लस वन से रिप्लेस कर दूंगा, अगर एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर रहे हो तो यानी जेड की प्लस वन से पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, अब क्या करना एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दो,
जहाँ जहाँ एन आ रहा वहाँ पे एन प्लस वन लिख दो, जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अगर प्लस से शिफ्ट किया तो यानी जेड की प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड माइनस वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखोगे तो इतना इधर कितना बचेगा, एन प्लस वन वन अपॉइंट टू की पावर एन प्लस वन यू एन प्लस वन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, इधर वन बाय टू जेड स्क्वायर जेड माइनस वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर वन बाय टू एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमें वन बाय टू की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखो कितना चाहिए मुझे, बस होल स्क्वायर चाहिए, जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, वही मेरा वाई ऑफ जेड है। तो इधर वन बाई टू ज़्यादा आ रहा तो मैं दोनों तरफ वन पॉइंट टू का डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर कितना बचेगा, एन प्लस वन पावर एक कम हो जाएगी, वन पॉइंट टू की पावर एन ही बचेगा केवल वन बाई टू से डिवाइड करने के बाद, जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर तो मैं इसको दोनों का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, यही मेरा क्या था, यही तो मेरा क्या था, वाई ऑफ जेड, ठीक है। अगर ये वाई ऑफ जेड था तो ये क्या होगा मेरा, वाई ऑफ एन, तो हमें वाई ऑफ एन पूछा गया था, वाई ऑफ एन हमने निकाल लिया, तो वाई ऑफ एन हमारा कितना आया, एन प्लस वन वन अपॉन टू की पावर एन यू एन। लेकिन ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन कंपटीशन वाला क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा यहाँ पे, यहाँ पे वो क्या करेगा, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन देगा ही नहीं, क्या कर देगा वो, ये भी आंसर ठीक है लेकिन इसको भी क्या कर देगा, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा, ये एक सेकेंड, यहाँ पे यू एन प्लस वन, इसको क्या करेगा, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा। देखो सिंप्लीफाई कैसे, अगर इसको यू एन प्लस वन है तो एन एन इक्स टू माइनस वन पे ऐसा ये शुरू होगा, तो एन इक्स टू माइनस वन अगर मैं रखता हूँ इसमें, अगर एन कस्टू में एन प्लस वन है ये, तो माइनस वन से ये शुरू होगा, तो इसमें माइनस वन रखूँगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, वाई ऑफ माइनस वन कितना आ जाएगा मेरा, माइनस वन प्लस जीरो वन अपॉइंट टू की पावर माइनस वन, इधर ये कितना हो जाएगा, टोटल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब वाई ऑफ माइनस वन को क्या करें, हम इंक्लूड करें या ना करें, इसका मतलब वाई माइनस वन उससे पीछे वाले नंबर पर सब पे ये जीरो ही रहा होगा, माइनस वन पे भी जीरो आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट यू एन से शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, एक स्टेप आगे चले आऊँगा, ठीक है। इस वाले स्टेप को मैं क्या करूँगा, इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि माइनस वन पे जीरो, माइनस टू पे भी, माइनस थ्री पे, माइनस फोर पे भी, मैं सारे नंबर्स को क्यों लिखूँ, मैं उन्हीं नंबर्स को लिखूँगा जिस पे उसकी वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट क्या कर सकता है, इसको ऑप्शन में क्या कर देगा दूसरा आंसर, एन प्लस वन वन अपॉन टू की पावर एन यू एन, ठीक है। वो एन प्लस वन से स्टार्ट न करके क्या कर देगा, एन से स्टार्ट कर देगा। अब देखो एन कस टू जीरो लगाओ, ये जीरो नहीं होगा, एन कस टू वन लगाओ जीरो नहीं होगा, एन कस टू लगा जीरो नहीं होगा, इसका मतलब एन की वैल्यू जब जीरो से छोटी है उसके उसके लिए पूरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, और एन के बाद जीरो वन टू थ्री रखोगे तब उसका आंसर आना शुरू होगा। आई होप आप लोगों के समझ आया होगा, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन देखो कंपटीशन में यही आंसर मिलने वाला है, क्योंकि वो सीधा साधा आंसर देगा नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं उसका देने का, वो यही ऑप्शन में रखेगा। तो इस तरह से भी हमेशा चेक करके देखे करो फंक्शन को, अगर पीछे सारी वैल्यू जीरो हो रही हैं तो उस वाली वैल्यू उसको हटा देना, और अब और क्या होगा फिर, क्वेश्चन वहीं से जहाँ से वो शुरू हो रहा है यू एन वहाँ से लिख देना आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।